वेलकम टू चैनल वन। पद्मश्री गुरु गीताचरण ऑर्गेनाइज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 28 मार्च एट ICCR कोलकाता। एक्सपेरिमेंटेशन डन प्रॉपरली एट अ पर्टिकुलर स्टेज इन योर लाइफ व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद वन जॉनर एंड इट इज लाइक द यू नो इट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड देन इफ यू एक्सपेरिमेंट आई थिंक देयर इज मेरिट टू इट। द डे एस्थेटिक्स गवर्न्स एवरीथिंग। इट हैज टू बी एस्थेटिक, इट हैज टू बी मीनिंगफुल। It can't be mindless something because X is doing, I'm also doing, Y is doing, I'm doing. It has to come from your own process of organically, it has to come from you. Then experimentation has meaning. You know, it's not written in stone because we've had artists who, if you see them off stage, may not even look like dancers, but when they come on stage, they just transform. So, ये नहीं है कि आप सुंदर हैं तो आप बहुत अच्छा डांस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। टैलेंट किसी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, और मैं मानती हूँ कि गुरु के आंखों में वो टैलेंट दिख जाए और गुरु उसको तराशे तो कोई भी डांसर बन सकता है। वो स्टेइंग पावर होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े दिन कर लिए फिर छोड़ दिए फिर कहीं चले गए, फिर वो रहना, एक चीज में रहना वो बड़ी क्वालिटी है। मैं वो उस क्वालिटी को बहुत मानती हूँ कि स्टेइंग पावर होना चाहिए। इसका जो ऊंच नीच होता है, ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। नीचे होते ही आप कह रहे हैं कि मैं डांस नहीं करूँ, मैं कुछ और करूँगी, ऐसे नहीं होता। हर प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स तो होती हैं। तो इसको, इसमें गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है क्योंकि आप ओवरनाइट डांस स्टार नहीं बन सकते। आपको इसमें रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट लाइक द अदर प्रोफेशंस विच इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दिस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर यू आर नोटिस्ड एंड यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी। वो स्टेइंग पावर बहुत जरूरी है। ज्यादा है ना, ये थोड़ा देर में आते हैं। देर में तो आता है, हर स्टेज में अलग अलग प्रोसेस होता है। हमें थ्रू आइटम्स भी डू द अभिनय का जो एक लेवल बाय लेवल हम उनको उठाते हैं, एकदम से नहीं उठाते हैं। पहले उनके एज के हिसाब से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो श्रृंगार भाव में आते हैं, तो और बड़े होते हैं तो उसके लेयर्स सिखाते हैं उनको। तो ये विधिवत एक लेवल तो है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि आज का बच्चा स्क्रीन से ज़्यादा बात करता है और लोगों से कम बात करता है, जिसके वजह से ऐसे है वो। नॉर्मल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो है ही नहीं। जैसे हम लोग जैसे हैं जो बोलते भी हैं तो आंख भी यूज होता है, हाथ भी यूज होता है। हमको ये है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करें, हमारा ये रहता है। उनका ये रहता है आप कम्युनिकेट करते हैं तो ठीक है, नहीं करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो रिएक्शन मिलता ही नहीं है ना इससे। ये तो वन ट्रैक है, वो जो बोलता है उसको आप ग्रहण करते जाते। तो मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए आज का बच्चा ज्यादा मटेरियल, ज्यादा मुश्किल हो गया है सिखाना, क्योंकि वो जो एक इंस्टेंट एक क्वालिटी जो होती है, नेचुरल क्वालिटी है, उसको हम मार देते हैं। फिर बच्चा आता है तो फिर से उसको जीवित करना होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा, लेकिन शब्दों का जाल बुनना कोई बच्चों से सीखे। एक्सप्रेशन, पहले का बच्चा मुंह नहीं खोलता था गुरु के आगे, आज तो जो कहानियां सुनाते हैं वो, एक क्या आपने प्रश्न पूछ लिया, पूरा आधा घंटा चलेगा उनका भाषण। तो मुझे लगता है वो एक स्किल लेके आ रहे हैं बच्चे, तो उसके थ्रू हमें वो इमेजिनेशन उनमें लाना है। तो टीचर के लिए बहुत अनलर्निंग हो जाता है कि आप किस तरीके से जाके उन तक पहुंच पाए। तो एक तरीका नहीं होता है, ये नहीं कहना कि हमारे टीचरों ने ऐसे सिखाए मैं ऐसे सिखाऊं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पेडागॉजी हैज टू चेंज ऑल द टाइम। हमें जो है अनलर्निंग बहुत करना पड़ता है, अदरवाइज वो छोड़ के चले जाएंगे ना। हमें तो उनको इसमें लाना है, तो वो रिझाने वाली बात है ना। तो कैसे उनको रिझाएं, ये गुरु के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। बिंगो के लिए आपका क्या रिएक्शन है? राम पॉलिटिकल उस पे आ गया। नहीं नहीं, पॉलिटिकल नहीं, डांस, डांस विद म्यूजिक। डांस तो हमेशा बंगाल का तो वोकैबुलरी ही रहा है। आप रविंद्र संगीत से लेके देख लीजिए तो बहुत, ये तो इस कल्चर में है ही है। और लेकिन ये ज़रूर है कि मैं देख रही हूँ कि वेस्टर्न की तरफ तो रुझान ज़्यादा हो ही रहा है, और क्लासिकल देखने वाले लोग जो हैं उनको हमें बिल्ड करना है।
थेट डेसिबल, और वो जब ही हो सकता है जब डिसर्निंग ऑडियंस आप क्रिएट करें, और ऐसे परफॉर्मेंसेस जो ज्यादा हो जिसमें आप एंटरटेनमेंट डांस को नहीं देखते, डांस की जो ठोस बात है, जो लेगेसी की बात कर रही हूँ, जो हमारे ट्रेडिशन की बात है, वैसे कार्यक्रम और हो। मैं कलकत्ता आई हुई हूँ, मऊ और राजीव दो जो मऊ मेरी स्टूडेंट है, जो एक फेस्टिवल करते हैं मार्क करके, हर साल करते हैं, तो इस बार उन्होंने मेरे से अनुरोध किया कि मैं आगे अपना कार्यक्रम करूं यहाँ पे। तो कल ज्ञान मंच पे 6 बजे ये कार्यक्रम है, जहाँ पे मैं सोलो भरतनाट्यम करूँगी, जो कि हमारे शास्त्रीय नृत्य परंपरा से जो कॉम्पोजिशंस हैं, पीसेस हैं, उसको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो मैंने 50 साल में इसके साथ जो एक जर्नी करी है, वो मैं कल नृत्य करूंगी। मेरे 4 म्यूजिशियंस जो हैं वो दिल्ली से आएंगे, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली से आई हुई हूँ, और उसके बाद परसों और तरसों 2 दिन हम लोग वर्कशॉप करेंगे, जो कुछ सीनियर डांसर्स होंगे, कुछ जूनियर डांसर्स होंगे, जिनको मैं अपने नृत्य की जो एक परंपरा है उसके बारे में बताऊंगी, और एक अपनी जो फेवरेट कॉम्पोजिशन है वो मैं उनको सिखाऊंगी भी, और उसके माध्यम से मैं पूरे जो नृत्य का एक आत्मा है उसके बारे में भी बात करूंगी कि हम नृत्य क्यों करते हैं भारत में। भारत में नृत्य से केवल एंटरटेनमेंट नहीं होता है, नृत्य जो है इसके इसमें इतने सारे खूबसूरत पक्ष हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, माइथोलॉजी है, स्टोरी टेलिंग है, इसमें लय पक्ष है, इसमें सौंदर्य बोध है, इसमें आर्किटेक्चर है, इस सबको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके नृत्य संपूर्ण एक बहुत सुंदर, एक आकर्षक एक प्रस्तुति बनेगी। तो ये सब हम कोशिश करेंगे 2 दिन में, हमारे जो यहाँ के डांसर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, और फिर 23rd के सुबह जो है एक बातचीत का सिलसिला भी है डांसर्स के साथ, जो कि दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है, जो जिसमें हम यहाँ के सारे विधाओं के जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करेंगे, और यंग डांसर्स में ये एक मैंने एक देखा है कि वो किससे बात करें, उनको हमेशा लगता है कि हम किससे बात करें, बहुत सारे बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन पता नहीं किससे बात करें, तो मुझे लगता है ये एक ओपन फोरम है जहाँ पे बातचीत होगी। आज के दौर में जिस तरीके से नृत्य को देखा जा रहा है, जिस तरीके के नृत्य को एक प्रोफेशन के चुनने से क्या क्या उसके जो हैं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सब हम सोचे हैं कि हम बात करेंगे, जितना मेरे को आता है मैं उनके साथ शेयर करूंगी, और मुझे लगता है कि ये एक फोरम बन सकता है जहां बच्चे जो हैं अपनी बात कह सकें। मैम आपका नाम? गीता चंद्रन।